17वां राष्ट्रीय बसोर समाज सम्मेलन संपन्न हुआ। अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के राष्ट्रीय सचिव एवं महासचिव तथा प्रवक्ता आयोजन समिति ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति मध्य प्रदेश के तत्वावधान में अन्य त्यागी महर्षि गुरु गोकुलदास जी महाराज के 114वां जन्मोत्सव समारोह उपलक्ष्य में 17वां राष्ट्रीय बसोर समाज महासम्मेलन 2021 दिनांक 6 जनवरी 2021 दिन बुधवार समय दोपहर 3 बजे स्थान गल्ला मंडी 20 सेक्टर पिपलानी थाने के सामने वेद भोपाल में माननीय श्री विश्वास सारंग जी मंत्री चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन भोपाल के मुख्य अतिथि एवं माननीय श्रीमती कृष्णा गौर जी क्षेत्रीय विधायक गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र भोपाल माननीय श्री भगवान दास सवनानी जी प्रदेश महामंत्री भाजपा मध्य प्रदेश श्री मनोरंजन मिश्रा जी पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मध्य प्रदेश श्री सुमित पचौरी जी जिला अध्यक्ष भाजपा जिला भोपाल माननीय श्री रविशंकर हवेलकर जी सदस्य प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति उत्तर प्रदेश शासन के अति विशिष्ट आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता श्री के डी राही राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति ने की। आज हमारा बड़े गौरव का दिन है। आज हमारे परम पूज्य त्यागी महर्षि गोकुलदास जी महाराज का 114वां जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। आज हम लोग उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ उनका जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। और मैं मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान से ये अपील करता हूँ कि बसोर समाज की ओर भी सरकार ध्यान दे। हम विगत 15 वर्षों से लगातार उनको अपने कार्यक्रम में आमंत्रित करते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन हमारे प्रदेश के मुखिया बसोर समाज को कहीं से कहीं तक समय नहीं दे रहे हैं। ये बहुत दुख का विषय है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमारे भाई रविशंकर हवेलकर जी को एक सम्मान दिया, राज्य मंत्री का दर्जा दिया, उसके लिए मैं यूपी सरकार को धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। लेकिन मैं हमारे मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से भी अपील करता हूँ, जिस प्रकार से आपने 2013 में बांस बोर्ड का गठन किया था, लेकिन आज तक वो बांस बोर्ड गठन होने के बाद भी खाली पड़ा हुआ है। मैं उनसे अपील करता हूँ कि हमारे समाज के बहुत कर्मठ और जुझारू कार्यकर्ता हैं भाई राम प्रकाश बंसकार जी, उनको उस कमेटी में सदस्य मनोनीत किया जाए ताकि हमारे समाज को भी गौरव मिल सके और हमारा समाज भी सर उठा के आगे बढ़ सके। शंकर हवेलकर हूँ। मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का सदस्य नामित किया गया है। हम उत्तर प्रदेश के यशस्वी दलित मित्र मुख्यमंत्री के बाद योगी आदित्यनाथ जी के आभारी हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सभी दलित वंचित वर्गों के कल्याण के लिए 6 दिसंबर को बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर ऐतिहासिक घोषणा की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में निवासरत काबिज कहीं भी दलित समाज के लोग जिस भूमि पर रह रहे हैं, जमीन पर रह रहे हैं, उस जमीन का उनको मालिक बनाया जाएगा। और नए वर्ष के तोहफे के रूप में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 3 डिसमिल अर्थात 138 वर्ग गज जमीन का मालिक दलित समाज को उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। वास्तव में ये बहुत बड़ी घोषणा है और हम उत्तर प्रदेश सरकार में महाकार आयोग की मांग लगातार उठा रहे हैं और हमें भरोसा है कि मुख्यमंत्री जी उसमें भी सकारात्मक पहल करेगी। अरे सुरेश भाई, इस प्रकार से हम मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी से भी करवती निवेदन करते हैं कि वंचित समाज की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर भी बांस कार आयोग के गठन की मांग की आवश्यकता प्रतीत होती है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की सरकार अगर बांस कार आयोग का गठन करके उसका चेयरमैन उपाध्यक्ष या सदस्य बसोर समाज के कार्यकर्ता को नामित करती है तो उत्तर प्रदेश सहित मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले से भी जुड़ी हुई है और भी ज़्यादा मजबूती के साथ भाजपा के साथ खड़ी होगी, मामा जी के हाथों को मजबूत करेगी। साथ ही हमारा ये भी निवेदन है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री ने यह साहस भरा उदारतापूर्ण निर्णय लिया है दलितों के लिए, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार भी वंचित वर्गों के कल्याण के लिए उन्हें जमीनों का मालिक बनाने का गठन किया। मेरा नाम के डी राही। सर आज क्या कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा? आज ये अखिल भारतीय बसोर समाज विकास समिति के तत्वाधान में अन्य त्यागी महर्षि गुरु गोकुलदास जी का 114वां जन्मोत्सव समारोह को उपलक्ष्य में 17वां राष्ट्रीय बसोर समाज महासम्मेलन आयोजित होने जा रहा है।
सर कोरोना को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं महासम्मेलन में की जा रही हैं और कैसी व्यवस्था? कोरोना से संबंधित जो शासन के नियम हैं, जो गाइडलाइन है, उनके अनुसार चलेंगे। मॉक्स और उसका सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे। सर इस आयोजन में कितने लोग आने की संभावना है? एक कोरोना को देखते हुए हम लोगों ने एक प्रतिनिधि के रूप में ही आमंत्रित किया है। वैसे पब्लिक नहीं हमने इकट्ठी करी है, लेकिन पूरे देश का सम्मेलन है तो बहुत कम से कम हम प्रयास करेंगे और शासन की गाइडलाइन का पालन करेंगे। सर पुस्तक का विमोचन भी किया जाएगा, ऐतिहासिक पुस्तक जी। तो ये समाज का देन वंशी है, जो हमारे आराध्य हैं, जिनसे हमारी उत्पत्ति है, उनका ये पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। कौन आ रहा मुख्य अतिथि के रूप में? मुख्य अतिथि के रूप में माननीय केंद्रीय मंत्री जी फग्गन सिंह कुलस्ते जी हैं, और विशेष अतिथि के तौर में माननीय विश्वास सारंग जी हैं। अतिथिगण सभी लोग आ रहे हैं। समाज की सबसे ज़्यादा मांगे क्या हैं जो अभी तक? समाज संगठन की ओर से 18 सूत्री मांग पत्र उनको सौंपा जाएगा और अनुरोध किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी इसका। विशेष मांग क्या है आप? विशेष मांग हमारी ये है, एक तो दिल्ली राज्य में बसोर जाति का नाम नहीं उसमें उसको सम्मिलित किया जाए, और गुरु जी का जो इच्छुक अवकाश है उनको पूर्णकालीन अवकाश घोषित किया जाए, और समाज की जो आर्थिक स्थिति है उसके लिए योजना के लिए 3 प्रमुख मांगे हैं। 1800 मांग पत्र जो पिछले 15 वर्ष 20 वर्षों से लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास में लंबे थे।